हेलो फ्रेंड्स आई एम चंदना एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स फॉर यूपीएससी। आपको भी पता है यूपीएससी के लिए नोट्स बनाना कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स आपको एंड टाइम पे जब आपका प्रिपरेशन एकदम एंड पे होता है तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलती है नोट्स से अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपका जिस दिन एग्ज़ाम है उससे जस्ट पहले आप अपनी नोट्स से ही सारी की सारी प्रिपरेशन कर सकते हो और ये एक बहुत ही क्विक तरीका होता है सब कुछ रिवाइज करने का तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप बुक्स में अंडरलाइन करते हो दैट इज़ गुड बट नोट्स अगर आप बनाते हो देन दैट इज़ द बेस्ट वे ओके ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए तो अब नोट्स कैसे बनाया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है नोट्स हम ऑनलाइन प्रिपेयर करें या ऑफलाइन प्रिपेयर करें एम आई राइट तो आपको इसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है नोट्स आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है या ऑफलाइन दिस इज़ वेरी इजी नोट्स आप आराम से अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो अगर आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर करते हो ऑफलाइन भी प्रिपेयर करते हो जिस वे में आप कंफर्टेबल हो उस वे में आपको नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए अब अगर आप ऑनलाइन नोट्स प्रिपेयर करते हो तो इससे क्या है आप ऑनलाइन डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐड करनी हो क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इस बुक से आज पढ़ रहे हो कल को आपको न्यूज़पेपर से इसी टॉपिक पे कुछ नए पॉइंट्स पता लगी तो आपको सारे के सारे एक नोट्स में ही ऐड करने हैं तो अगर आप डिजिटल नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली उसमें सारे के सारे पॉइंट्स एडअप करते जाओगे बट अगर आप अलग से नोट्स मतलब कॉपी वापी में बनाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर भी अगर आप हार्ड कॉपी बनाना चाहते हो नोट्स की तो आपको यूज़ करना चाहिए लूज सीट ओके लूज़ शीट्स में आपको पेपर बना पेपर में आपको नोट्स बनाने चाहिए और आप उसको फिर एक फ़ाइल में सारा का सारा करके रख सकते हो तो इससे क्या होगा कि आपको जब कोई भी इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो आप एक अलग शीट लोगे उसमें इन्फॉर्मेशन लिखोगे और उसके बाद फिर आप उसको उस फाइल में उस प्लेस पे डाल दोगे ओके तो इस तरह से आपको अपने नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा तो इसलिए आपको ऐसी नोट्स के तरीके यूज़ करने हैं कि या तो आप हार्ड कॉपी बना रहे हो तो लूज शीट्स में और नहीं तो फिर आप डिजिटल नोट्स पेपर कर सकते हो ओके अब इसके बाद फिर मेन चीज़ है आप नोट्स बनाते इसमें कैसे बनाए तो नोट्स आपको ऐसा बनाना है क्योंकि आप किसी और के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो ताकि आपको समझ आए ओके तो आपको नोट्स ऐसा प्रिपेयर करना है जो कि बहुत ही सिंपल हो क्रिस्प हो शॉर्ट हो ठीक है आपको अगर आप पूरा का पूरा बुक ही अपने नोट्स में एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर नोट्स बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है ओके okay? अगर आप नोट्स बना रहे हो दिस मींस कि आप शॉर्ट में अपने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो राइट right? तो आपको इसके लिए क्या करना है जब भी आप नोट्स बनाओ तो आपको सेपरेटली अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना है और सबसे शॉर्ट फॉर्म में करना है जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो बुक से टेक्स्ट बुक से जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसे प्रिपेयर करो और उसे एकदम क्रिस्प शॉर्ट में एकदम आप उसे अपने वे में ऐसे कन्वर्ट करके लिखो कि आप समझ पाओ उस तरीके से आपको उस नोट्स को कॉपी में लिखना है या फिर जहाँ भी आप ऑनलाइन बना रहे हो तो वहाँ पर आपका नोट्स मैंशन करना है ओके इसके बाद फिर जब आपका नोट्स बनता है तो उसमें आपको और ध्यान क्या रखना है आपको हर टॉपिक हर टॉपिक पे डिस्कशन करना है और उसको पॉइंट वाइज लिखना है आप बुलेट पॉइंट्स बना कर लिखो इससे क्या होगा आप जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पेपर में आप आंसर कैसे लिखते हो इस चीज़ पे आपकी पूरी की पूरी मार्क्स डिपेंड होती है तो आपको अच्छे से आंसर्स लिखने होते हैं तो इसके लिए अगर आप पॉइंट्स में आंसर्स लिखते हो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम यूज़ करते हो जोग्राफी में आप मैप्स यूज़ करते हो पॉलिटिकल साइंस वगैरह में अगर आप एग्जांपल्स यूज़ करते हो पॉइंट्स में समझाते हो कहीं से आपने कोई करंट अफेयर पढ़ा और उसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे साथ साथ वो वाला आप एग्जांपल में डाल दोगे तो इस तरह से आपका आंसर और भी इम्प्रूव हो जाता है और सामने वाले को आपका आंसर और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बाकियों के आंसर से थोड़ा आगे लाते हैं बहुत डिफरेंट बनाते हैं और इस तरीके से ही आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो तो अगर आप सच में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फर्स्टली तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आखिर नोट्स अच्छी नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो ये तो मैंने बता दिया आपको इस तरीके से नोट्स बनाने अब आप जब भी कोई बुक से नोट्स बना रहे हो या करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके से नोट्स करने नोट करने के बाद में जब आप रिवाइज़ करो तो आपको जस्ट वो एक पॉइंट देखकर आपको सारा का सारा कुछ याद आ जाए ओके तो ये आपका सबसे बेस्ट टिप्स होता है बेसिक टिप्स इससे ज़्यादा तो अब आप जो चाहो जैसे चाहो अपने नोट्स को बना सकते हो डेकोरेशन करो ये वो डेकोरेशन क्यों करना है आपको नोट्स खुद के लिए बनाना है अपने पढ़ने के लिए तो आप उसको जितना सिंपल शॉर्ट रखोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा ओके okay? बाकी जब आप नोट्स बना लेते हो तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन समझो कि एक सही लेवल पर पहुँच जाती है क्योंकि अब जो है अब जब आप फाइनल में देने जाओगे तो आपके पास नोट्स बनाए आप बस वो नोट्स निकालोगे और आप रिवाइज़ कर लोगे तो सारा का सारा टॉपिक्स जो है आपको एक बार में रिवाइज हो जाता है तो इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बाकी अगर आप नोट्स कहीं से रेफरेंस लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो नोट्स आप जब कहीं से रेफरेंस लेते हो तो आपको पता लगता है अच्छा ये ऐसे नोट्स बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो आप नोट्स रेफरेंस ले सकते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप प्लूटस आई से नोट्स ले सकते हो प्लूटस आई के नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मेंबर्स की टीम है जिन्हें टेन प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाते और आपके ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से वो प्रिपेयर कर पाते हैं तो आप अगर प्लूटस आई के नोट्स लेते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो यहाँ से नोट्स लेते हैं मॉक टेस्ट लेते हैं और उनको ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहा है तो आप भी प्लूटस आई से नोट्स लेकर अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू बाकी अगर आप चीप नोट्स चाहते हो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही लोएस्ट प्राइस में अच्छी नोट्स मिल जाए तो इसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी साइट्स है तो ऑनलाइन खान मार्केट एक बहुत ही अच्छी साइट है जहाँ पर बहुत ही चीपेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही चीप नोट्स होते हैं तो इतने लोएस्ट प्राइस पे आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे जितने चीपेस्ट नोट्स आपको ऑनलाइन खान मार्केट पे मिलते हैं और ये बहुत ही बेस्ट नोट्स होते हैं साइज से भी रिकमेंडेड नोट्स उसमें मिल जाते हैं आपको तो आप ऑनलाइन खान मार्केट पर जाकर भी अपनी नोट्स ले सकते हो ओके okay? तो ये कुछ साइट से अच्छी साइट से जो मुझे पता है नोट्स के लिए बेस्ट है तो आप वहाँ से ले सकते हो बाकी इन सब की हेल्प से आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने ओके थोड़ी सी डिस्कशन हम न्यूज़पेपर पे कर लेते हैं अगर आप न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाओगे तो इसके लिए तो मैं ऐसे सेपरेट वीडियोस लाऊंगी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है बट अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने तो न्यूज़पेपर से अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको एडिटोरियल सेक्शन एडिटोरियल सेक्शन में जाकर नोट्स बनाने हैं एडिटोरियल सेक्शन में आपको सारा कुछ बताया रहता है तो आप उससे अच्छे से अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो ओके तो फिर दोस्तों आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आ, बता सकते हो या आपको किसी नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ओके तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ओके क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ यू से रिलेटेड आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं थैंक यू